बहुत से ब्राह्मणों का प्रश्न है कि हम लोग जो है श्राद्ध में भोजन करके आते हैं तो किस श्राद्ध में, किस किस श्राद्ध में क्या क्या प्रायश्चित करना चाहिए श्राद्ध भोक्ता को, ऐसे कई लोगों के प्रश्न है इससे संबंधित कि पितृपक्ष में भोजन करते हैं या ये जो है द्वादशाह जिसको प्रायः भाषा में लोग तेरहवीं कहते हैं, तेरहवीं के भोजन का क्या प्रायश्चित है, एकादशाह के भोजन का क्या प्रायश्चित है, और जैसे आनुमासिक श्राद्धों में, एकोदिष्ट में, पार्वण श्राद्ध में क्या प्रायश्चित है, तथा क्षत्रिय आदि के यहाँ भोजन करने में श्राद्ध के भोजन में, वैश्य आदि के यहाँ, वैश्यों के यहाँ श्राद्ध भोजन करने में क्या प्रायश्चित है, तथा शूद्रों के यहाँ श्राद्ध भोजन में क्या प्रायश्चित है, इस तरीके के श्राद्धों के भोजन में क्या क्या प्रायश्चित शास्त्रों ने जो है कहे हैं, बतलाए हैं, तो उनको कृपया बतलाएं, ऐसे बहुत से लोगों के प्रश्न हैं। तो देखिए आप इनमें जो है धर्म सिंधु जो बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है इसके आधार पर और प्रायः समस्त श्राद्धों का प्रायश्चित बतलाया जा रहा है, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें और उसका परिपालन भी। धर्म सिंधु में कहा जा रहा है कि अथ श्राद्ध भोजने प्रायश्चित्तानि, श्राद्ध भोजन में प्रायश्चित्तों को कहते हैं। देखिए दर्श श्राद्धे षट प्राणायामाः, दर्श श्राद्ध में यानी अमावस्या में जो श्राद्ध होता है तो किसी भी अमावस्या में श्राद्ध के निमित्त भोजन करने पर 6 प्राणायाम प्रायश्चित के लिए करना चाहिए। जैसा संध्या में हम प्राणायाम करते हैं इस तरीके से 6 प्राणायाम, पूरा कुंभक रेचक मिलाकर के 1 प्राणायाम हुआ, इसी तरीके से ये पूरा कुंभक रेचक, पूरा कुंभक रेचक ये करते हुए 6 आवृत्ति करना चाहिए, देवता का ध्यान पूर्वक, मंत्र का मन में उच्चारण पूर्वक। आगे कह रहे हैं कि जैसे जी महालय, ये पितृपक्ष चल रहा है तो पितृपक्ष में महालयादि श्राद्धेषु त्रिवर्षोर्ध्वम् प्रतिवार्षिकेषु च 6 प्राणायामाः, महालय इत्यादि श्राद्धों में, ये महालय श्राद्ध चल रहा है इनमें, और त्रिवर्षोर्ध्व प्रतिवार्षिक श्राद्धेषु, 3 वर्ष के बाद जो भी श्राद्ध होते हैं, किसी की मृत्यु हुई और मृत्यु होने के 3 वर्ष बाद जो जो भी श्राद्ध होते हैं उन सभी श्राद्धों में, पार्वण हो, महालय हो, एकोदिष्ट हो, उन सभी श्राद्धों में 6 प्राणायामाः, 6 प्राणायाम प्रायश्चित के रूप में करना चाहिए। अथवा गायत्रिया 10 कृत्योभिमंत्रितस्य जलस्य पानं वा, अथवा संध्या आदि कृत्य करके और किसी पात्र में जल लेकर के और बाएं हाथ पर रख करके दाएं हाथ से ढक करके 10 बार गायत्री का मंत्र जप करके और फिर उस जल का पान करना, या तो 6 प्राणायाम करें या 10 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके और अभिमंत्रित जल का पान करें। अब कह रहे हैं एवं अन्येषु अपि अनुक्त प्रायश्चित श्राद्धेषु उक्त जलपानम एव, जिस श्राद्ध में यदि प्रायश्चित नहीं कहा गया है तो उन सभी श्राद्धों में जो है इसी प्रकार से 10 बार अभिमंत्रित गायत्री से, अभिमंत्रित जल का पान करना चाहिए। देखो और आगे कहते हैं अब वृद्धि श्राद्धे प्राणायाम त्रयम, सामान्य रूप से यज्ञ आदि में कहीं भी जहां भी जो है वृद्धि श्राद्ध होता है यानी कि नांदी श्राद्ध होता है और तन्निमित्तक ब्राह्मण भोजन जो होता है, अथवा ये नांदी श्राद्ध में जो दक्षिणा ले लेते हैं हम लोग, दक्षिणा का आगे बतलाएंगे कि दक्षिणा दान में किसी के यहाँ भोजन करना और उसके आमान्न लेना या उससे जो है दक्षिणा लेना, तो भोजन करने में जो प्रायश्चित है उसका आधा प्रायश्चित
द्रव्यदानात्मक ग्रहण करने में है। तो वृद्धि श्राद्ध में प्राणायाम त्रयम पर्याप्त, वृद्धि श्राद्ध में, वृद्धि श्राद्ध निमित्तक दान लेने पर या भोजन करने पर प्राणायाम त्रयम पर्याप्त, तीन प्राणायाम करना चाहिए। और कह रहे हैं जात कर्माद चूडांत संस्कारांग वृद्धि श्राद्धे, जात कर्म से लेकर के चूडाकरण संस्कार पर्यंत होने वाले वृद्धि श्राद्धों में जो भी ब्राह्मण भोजन करते हैं उनको सांतपन कृच्छ्रम, सांतपन कृच्छ्र व्रत करना चाहिए। यह संस्कारों में चूडाकरण संस्कार से लेकर के जो है जात कर्म से चूड़ा पर्यंत। अब कह रहे हैं जात कर्मांग श्राद्धे चांद्रायणम वा, अथवा केवल जात कर्म संस्कार के निमित्त होने वाले नांदी श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन करने पर उन ब्राह्मणों को चांद्रायण व्रत भी लिखा है, अथवा चांद्रायण व्रत सांतपन कृच्छ्र या चांद्रायण। और कह रहे और संस्कारों में कि अन्य संस्कारांग श्राद्धे उपवास, और अन्य संस्कार जो यहां अभी नहीं कहे गए हैं उन संस्कारों के अलावा चूड़ा करणांत बात कही चूड़ा करण के बाद और जात कर्म से पहले के संस्कारों में उपवास, यानी एक दिन का उपवास, उपवास उसे ही कहते हैं। इनकी सबकी व्रतों की परिभाषा फिर अलग से बतलाएंगे, सामान्य रूप से अभी बतलाते हैं कि एक बार चाहे तो जल पी सकता है, बाकी के कुछ भी नहीं खाना है अहोरात्र पर्यंत, उसे उपवास कहते हैं। अब कह रहे हैं सीमंत संस्कारे तत्संस्कारांग श्राद्धे च चांद्रायणम, सीमंतोन्नयन संस्कार होता है गर्भाधानम पुंसमनम सीमंतोन्नयनम, तीसरा होता है। तो तीसरे संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार में भोजन करने पर अथवा तत्संस्कारांग श्राद्धे भोजन, उसके निमित्त होने वाले वृद्धि श्राद्ध में भोजन करने पर चांद्रायणम, चांद्रायण व्रत करना चाहिए। चांद्रायण व्रत एक महीने का होता है। कह रहे हैं आपति आपति दशाहांतर नव संज्ञक श्राद्धेशु एकादशा ये च श्राद्ध भोजने प्रायापत्य कृच्छ्रम, कोई आपत्ति है घर में बिना श्राद्ध किए कार्य नहीं चल रहा है, या कुछ न कुछ श्राद्ध में प्राप्त हो जाएगा, दक्षिणा आदि मिल जाएगी और ऐसी स्थिति है, इस दृष्टि से यदि कोई इन श्राद्धों में भोजन करता है, किन श्राद्धों में, दशाहांतर नव संज्ञक श्राद्धेशु, कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तब से 10 दिन के अंतर्गत आशौच काल में यदि भोजन किया जाता है उन श्राद्धों का जो है दशाह श्राद्धों का नाम है नव श्राद्ध, नव श्राद्ध उनको कहते हैं। तो नव संज्ञक श्राद्धेशु और एकादशा हे च, और 11वें दिन होने वाले श्राद्ध में जिसको एकादशा श्राद्ध कहते हैं उनमें श्राद्ध भोजने प्राजापत्य कृच्छ्रम, उनमें भोजन करने पर प्राजापत्य कृच्छ्र व्रत करना चाहिए। देखिए और द्वादशाहिक सपिंडी श्राद्धे ऊन मासे च पादोन कृच्छ्र, अब द्वादशा दिन भोजन 12वें दिन अथवा 13वें दिन जो भोजन उसके निमित्त करते हैं उसको 13वीं कहते हैं, उसके निमित्त भोजन करने पर अथवा ऊन मासे च, ऊन मास ये जो उत्तम षोडशी की आवृत्ति हर महीने होती है उसमें जो ऊन मास संज्ञक जो श्राद्ध है उसमें पादोन कृच्छ्र, पाद ऊन कृच्छ्र एक पाद कम कृच्छ्र व्रत करना चाहिए, मतलब पौना कृच्छ्र, पादोन कृच्छ्र माने पौना कृच्छ्र व्रत करना चाहिए। इसमें दिन कम हो जाते हैं उसके जितने दिन है उसी हिसाब से तो हो जाता है। और द्वितीय मासिक त्रैपक्षिकोन मास शान मासिकोन मासाब्दिकेशु अर्धकृच्छ्र, द्वितीय मास में यानी मृत्यु के बाद द्वितीय मास में और त्रैपाक्षिक श्राद्ध में और ऊन शान मासिक श्राद्ध में
और उनाब्दिक श्राद्ध में अर्ध कृच्छ्र आधा कृच्छ्र व्रत करना चाहिए। और अन्य मासे मास केसु प्रथमाद्दिके वर्षांत सपिन्नर श्राद्धे च पाद कृच्छ्र और अन्य बचे हुए मासों में तथा आब्दिक श्राद्ध में वर्षांत जिसको वर्षी श्राद्ध कहते हैं वर्षी श्राद्ध में तथा वर्षांत में होने वाले सपिंडी श्राद्ध में पाद कृच्छ्र पाद कृच्छ व्रत करना चाहिए। अथवा कह रहे हैं उपवासो बा या एक दिन का अहोरात्र का उपवास करे। अब देखिए एक बड़ी दिव्य बात कह रहे हैं यहां, कह रहे हैं गुरवे द्रव्यम दातुम श्राद्ध भोजने सर्वत्रोक्तार्धम। यदि कोई विद्यार्थी चाहता है, कोई व्यक्ति चाहता है कि हम जो है गुरु से पढ़ते हैं कुछ देते नहीं है, गुरु जी को कुछ दक्षिणा देना चाहता है और उसके पास नहीं है तो क्या करे, बोले कहीं श्राद्ध में भोजन कर आएंगे तो जो मिलेगा वो गुरु जी को दे देंगे। तो इस दृष्टि से गुरु जी को कुछ दक्षिणा देने के लिए यदि कोई श्राद्ध भोजन करता है तो बोले उसको इतना प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका हेतु मतलब अच्छा हो गया ना। इसलिए कहते हैं गुरवे द्रव्यम दातुम श्राद्ध भोजने सर्वत्रोक्तार्धम। जो भी गुरु जी की दक्षिणा के निमित्त भोजन कर रहा है श्राद्ध में तो आधा, जहां भी जितना भी प्रायश्चित बताया गया है सर्वत्र अर्धम उसका वो आधा प्रायश्चित करेगा। और जपशीले तदर्धम, यदि कोई जपशील है बहुत जप करता है व्यक्ति तो उसका भी आधा करेगा, चौथा ही हो गया। जो भी इसका बतलाया जा रहा है उसका आधा गुरु को दक्षिणा देने वाला और उसका भी आधा तदर्धम, उसका भी आधा करेगा। जो जप करता है बहुत जपशील है तो उसका भी आधा करेगा। और अब कह रहे हैं अनापद्यूनमासांतेषु चांद्रायणम प्राजापत्यंच। यदि कोई आपत्ति नहीं है फिर भी यदि कोई ऊन मास के संज्ञक मासों में भोजन करता है तो उसको चांद्रायण व्रत और प्राजापत्यंच और प्राजापत्य संज्ञक व्रत करना चाहिए। उन मासिक आप समझ ही रहे होंगे, मृत्यु हो जाती है किसी के तो जो 12वें दिन सब कार्य हो जाता है, उसके बाद हर महीने जो भोजन होते हैं 16 एक वर्ष में श्राद्ध उनकी बात चल रही है, तो उन मासिक माने पौन महीने में जो श्राद्ध होते हैं उनकी बात है। अब कहते हैं प्रथमाब्दि के पादोन कृच्छ्र। यदि पहली जो वर्षी श्राद्ध करते हैं प्रथमाब्दि के पहले में तो उसमें पादोन कृच्छ्र जो है पौन कृच्छ्र व्रत करना चाहिए, पाद ऊन कृच्छ्र व्रत। और द्वितीय तृतीय आब्दि के एकोपवास। यदि फिर दूसरी वर्ष में और होने वाले एकोदिष्ट वार्षिक श्राद्ध में और तीसरी वर्ष में सांवत्सरिको कैकदिष्ट श्राद्ध में जो है एकोपवास, वही एक दिन का उपवास कर लेना चाहिए। अब देखिए और एक विशेष बात कह रहे हैं कि अभी तक हमने जितने भी प्रायश्चित बतलाए वो ब्राह्मणों के घर पर श्राद्ध भोजन करने के प्रायश्चित हैं। कोई भी ब्राह्मण ब्राह्मण के घर पर श्राद्ध भोजन करता है तो उसके ये प्रायश्चित बतलाए गए हैं। और बोले क्षत्रिय आदे तू, तो कहते हैं क्षत्रिय श्राद्धे एतत् द्विगुणम्। क्षत्रियों के यहाँ यदि कोई ब्राह्मण श्राद्ध भोजन करता है जो श्राद्ध बतलाए गए हैं इन्हीं श्राद्धों में तो एतत् द्विगुणम्, तो इसका दूना दूना प्रायश्चित करना चाहिए। और वैश्य श्राद्धे त्रिगुणम्, और जो श्राद्ध भोजन ब्राह्मणों के यहाँ करने पर प्रायश्चित बतलाए गए हैं उसका त्रिगुणा प्रायश्चित किसी सेठ या वैश्य के यहाँ श्राद्ध में भोजन करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। और देखिए शूद्र श्राद्धे सर्वत्र चतुर्गुणम्। शूद्रों को हमेशा लिखा हुआ है कि आमान्न से ही कच्चे अन्न दानात्मक ही श्राद्ध करना चाहिए।
तो उनके यहाँ लिखा है कि चतुर्गुणम जो भी प्रायश्चित ये बतलाया जा रहा है इसका, उनके यहाँ से दान लेने पर श्राद्ध भोजन करने पर वह है चतुर्गुणम चौगुना प्रायश्चित करना चाहिए। अब देखिए ये जो बात कही गई ये सामान्य मृत्यु वाले पितरों के निमित्त होने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के यहाँ शूद्रों के यहाँ होने वाले श्राद्ध में दान या भोजन करने की व्यवस्था बतलाई गई। अब जिनका जिन पितरों का दुर्मरण हुआ है और उनका हो रहा है श्राद्ध तो उसकी क्या व्यवस्था है उसको देखिए। देखें कि चांडाल विष जल सर्प पशुआदिहत जिनकी मृत्यु चांडाल आदि के हाथों से हो गई है, विष खाने से विष से हुई है मृत्यु, या जल में डूब करके सर्प पशुआदिहत या सर्प के डसने से या किसी पशु आदि ने हिंसक पशु ने और उनका जो बद कर दिया है तो वे, और पतित जो पतित हो चुका है उसके उसका जो श्राद्ध होगा वो, और क्लीब आदि, क्लीब यानी कोई नपुंसक आदि है ऐसे व्यक्ति का, और नवश्राद्ध यानी 10 दिन के इनकी मृत्यु के बाद ऐसे ऐसे जो लोग बतलाए गए हैं ऐसे किसी के जो दुर्मरण वाले ये लोग हैं इनके नवश्राद्ध नवश्राद्ध चांद्रायणम इनके मरने के 10 दिन के भीतर यदि कोई जो कर लेता है भोजन कर लेता है तो चांद्रायणम चांद्रायण व्रत करना चाहिए। इसी बीच में एक छोटी सी बात और बतला देते हैं कि आजकल तो ऐसी स्थिति बन गई है कि कोई व्यक्ति जो है मृत हो जाता है और मृत होने के बाद उसके परिजन लोग जो है वहां ले जाते हैं श्मशान घाट पर, मैंने जो देखा है वो बतला रहा हूं, तो वहां अब लोगों को प्यास लग रही है तो वहीं जो है वो पानी के पाउच मंगा लिए, पानी की बोतल मंगा ली, तो वो सब लोग पी रहे हैं उसी का, और फिर वहीं चाय आ गई, वो अभी जला नहीं है, इंतजार हो रहा है कि कोई आ रहा है उसका, और वहां सब लोग ऐसे सब करते रहते हैं। जितना बड़ा आदमी उतना ही मतलब ये जो है ज्यादा खान पान चलता है, फिर जो कोई मृत हो जाता है तो वहां लोग शोक प्रकट करने के लिए जाते हैं, ये जो हो रहा है वो बतला रहा हूं। तो वहां जाने के बाद अब सबको चाय पानी नाश्ता आदि सब जो है सब लोग लेते हैं, अब कोई बिचार ही नहीं कि तो भाई इनके यहाँ जो है आशौच लगा है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो, सब अशुद्ध अवस्था में चारों ही, तो उसके यहाँ जो है अभी कैसे अन्न जल आदि का ग्रहण हो सकता, लेकिन सब लोग करते हैं, जो लोग करते हैं उनका ही प्रायश्चित बतलाया जा रहा है कि ऐसे के यहाँ ये जो है आपने जो है कर लिया 10 दिन के अंतर्गत भोजन आदि तो उसका कहते चांद्रायणम चांद्रायण व्रत करना पड़ा। वो श्राद्ध में करा तो वो तो विधिपूर्वक है, ये तो अविधिपूर्वक भी कर लिए तो और ज्यादा ही हो सकता है। अब देखिए ये बात किसकी चल रही है, चांडाल आदि से जो मारे गए हैं या दुर्मरण से जिनकी मृत्यु हुई है या हिजड़े जो लोग हैं जिनको नपुंसक कहा गया था, ऐसे किली पतित आदि लोगों का जो श्राद्ध हो रहा है इनका जो एकादशा होगा, तो एकादशा अंतंच पराक चांद्रा चांद्रंच इनके जो है एकादशा आदि में जो है भोजन करने पर पराक व्रत और चांद्रायण व्रत करना चाहिए। द्वादशा आदौ पराक और द्वादशा आदि में द्वादशा में इन लोगों के द्वादशा में उनकी तो व्यवस्था बता दी, इन लोगों के द्वादशा में पराक व्रत बतलाया गया है। और द्विमासादि चतुर्ष्वति कृच्छ्र द्विमासादि चतुर्षु अतिकृच्छ्र और द्विमास आदि जो पीछे बतलाए थे द्विमास आदि और त्रैपाक्षिक षाणमासिक ऊनाब्दिक इनमें वहां तो अर्धकृच्छ्र बताया था, इनके बता रहे अतिकृच्छ्र अतिकृच्छ्र व्रत करना चाहिए। अन्य मास केसु कृच्छ्र और सभी मासों में ऐसे लोगों के मरने पर श्राद्ध होने में कृच्छ्र व्रत करना चाहिए। आब्दिके पादः आब्दिके माने वर्षी श्राद्ध में पाद पाद कृच्छ्र व्रत करना चाहिए। अब देखिए इसी बात को और ढंग से कह रहे हैं, कहा कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध में एक बार भोजन कर आया कहीं भी किसी भी प्रकार से जो भी श्राद्धों के अभी प्रायश्चित बतलाए गए हैं तो बोले ये उनके लिए बतला रहे हैं कि जिन्होंने एक बार भोजन किया
एक बार कहीं श्राद्ध कर आए तो हो गया, ये प्रायश्चित कर लो। अब आपका कार्य ये है, दिन में दो दो कर रहे हैं, हर पक्ष में रोज श्राद्ध में भोजन कर रहे हैं, तब बोले तब की व्यवस्था अलग है। क्या व्यवस्था है कि अभ्यास सर्वत्र सर्वम द्विगुणम, यार अभ्यास माने बार बार ऐसा करने पर सर्वत्र सभी श्राद्धों में जो भी प्रायश्चित जिसके लिए बतलाया गया है वो सर्वम द्विगुणम, वो हर तरीके से दूना जो बतलाया गया उसका दूना प्रायश्चित करना पड़ेगा, तब आप उस पाप से उस दोष से मुक्त होंगे। अब जो बात पहले बतलाई थी उसको स्पष्ट रूप से यहां कह रहे हैं कि आम हेम श्राद्धे सांकल्पिके च तत्तद् उक्त प्रायश्चित्तार्थम्। आमान्न दान लिया, आम श्राद्ध माने आमान्न दान लिया है, कच्चा सीधा जिस श्राद्ध में दान किया जाता है, किसी ने कच्चा सीधा दिया है, या हेम श्राद्ध स्वर्ण दिया है, मतलब कुछ पैसे दे दिए हैं कि श्राद्ध के निमित्त, सोना या पैसा या चांदी कि ये लीजिएगा आप जो है इससे भोजन कर लीजिए, अपना हमारा श्राद्ध पूरा हो गया, या सांकल्पिक विधि से जो श्राद्ध किए गए हैं उनमें उनको ग्रहण करने पर तदुक्त प्रायश्चित्तार्थम, तत्तद उक्त प्रायश्चित, जो जो उस श्राद्ध के निमित्त प्रायश्चित बतलाए गए थे, तो इस विधि से यदि कोई करता श्राद्ध करता है दानात्मक, तो भोक्ता को उस श्राद्ध के प्रायश्चित को आधा ही करना चाहिए, यदि भोजन करता है तो पूरा, और कच्चा सीधा लेता है या पैसा रूप में प्राप्त करता है तो उस प्रायश्चित को आधे भाग को ही करना चाहिए, तदर्धम। अब कह रहे हैं कि यदि कोई ये श्राद्ध भोजन करने का मुख्य अधिकारी गृहस्थ ब्राह्मण ही है, श्राद्ध में किसका अधिकार है भोजन करने का, इस पर बड़े विशाल रूप से जो है वीडियो डाल दिया गया है, अच्छी विवेचना है उसमें, लोगों ने काफी उसको देखा भी है। अब यहां कह रहे हैं कि यतिश्च ब्रह्मचारी च पूर्वोक्त प्रायश्चित्तम कृत्वा उपवासत्रयम् प्राणायाम शतम् घृत प्राशनञ्च अधिकं चरे। बोले कहीं यति, यदि कोई सन्यासियों के लिए श्राद्ध में मना किया गया है लेकिन फिर भी श्राद्ध में सन्यासी लोग भोजन कर लेते हैं, सन्यासियों के लिए बतला रहे हैं कि भाई आपको मना किया गया सन्यासी हो आप श्राद्ध में भोजन मत करो, लेकिन फिर भी श्राद्ध में अगर सन्यासी भोजन कर लेते हैं, ब्रह्मचारी च और ब्रह्मचारी गण यदि श्राद्ध में भोजन कर लेते हैं तो उनको क्या प्रायश्चित है। बोले पूर्वोक्त प्रायश्चितम कृत्वा, पहले जो हमने जो अभी प्रायश्चित बतलाए हैं जिस जिस श्राद्ध के निमित्त जो जो प्रायश्चित बतलाया है पहले तो उसको करें, और उसको करने के बाद उपवास त्रयम तीन उपवास करें, और प्राणायाम शतम फिर 100 प्राणायाम करें, फिर घृत प्राशनंच और फिर घी घृत पान करके एक दिन रहें, अधिकम चरे ये उन लोगों से इनको ज्यादा करना है। वो प्रायश्चित तो गृहस्थों के लिए बतलाए गए थे, जो भी प्रायश्चित लिखे बतलाए वो गृहस्थों के लिए बतलाए गए, और अगर ब्रह्मचारी यति करते हैं तो वे इतना कार्य और ज्यादा करें। पीछे इन्होंने अन्य प्रकरण में कहा था कि यति नाम बपनम लक्ष्य प्रणव जपश्चा, यतियों को इतना चीज और ज्यादा करनी है, दो तो ब्रह्मचारी यति दोनों को हो गया, पहले तो जो प्रायश्चित बतलाया गया है वो यति और ब्रह्मचारी दोनों को करना है, फिर ये जो बतलाया गया ये भी दोनों को करना है, अब केवल यति को और ज्यादा करना है। क्या यति नाम बपनम, यतियों को बपन भी कराना पड़ेगा माने छौर कर मुंडन करवाना पड़ेगा, और लक्ष्य प्रणव जपश्चा और 1,00,000 प्रणव का जप करना चाहिए यदि किसी श्राद्ध में भोजन कर लिया तो। इसलिए यतियों के लिए सर्वथा निषिद्ध किया गया है कि आप लोग श्राद्ध में भोजन न करें। देखिए आगे कह रहे हैं अनापदि द्विगुणम चरे, बोले ये बात तो इसलिए बता दी है कि यतियों को ब्रह्मचारियों को यदि कहीं कोई आपत्ति में पड़ गए तब इतना प्रायश्चित है, वो अनापदि वैसे ही अपने मौज से ही भोजन कर लिया है तो द्विगुणम चरे,
इस जो प्रायश्चित अभी कहा यति ब्रह्मचारियों के लिए, इसका दूना करें। और दर्शादौ ग्रहिवत एव, बोले दर्शादि में ग्रहीव, जो अगर अमावस्या में ये लोग भोजन कर लेते हैं कहीं अमावस्या के दर्श श्राद्ध में, तो जो गृहस्थों के लिए प्रायश्चित बतलाएं उतने ये भी करें। अब कह रहे हैं कि ब्रह्मचारिणस् चौल संस्कारे भोजने कृच्छ्र, ये जो ब्रह्मचारी लोग चौल संस्कार में, जिस बालक का मुंडन संस्कार हो करके वहां जो है चूड़ाकरण यानी शिखा रख दी जाती है, उस संस्कार में भोजन कर लेते हैं ब्रह्मचारी लोग, तो कृच्छ्र व्रत करें। सीमंते चांद्रम, और सीमंतोन्नयन संस्कार में ब्रह्मचारी भोजन करते हैं तो चांद्र व्रत को करें। और अन्य सुपवास, अन्य संस्कारों में भोजन करने पर उपवास रखें एक दिन का। और एकादशा श्राद्ध भोजने चांद्रम पुनः संस्कारश्चेति हेमाद्रिहि, कहते हैं एकादशा में श्राद्ध भोजन में, एकादशा श्राद्ध के भोजन में प्रवृत्त हुए भोजन करने वाले ब्रह्मचारी को चांद्र व्रत करना चाहिए, यानी एक महीने तक चांद्रायण व्रत करना चाहिए। और पुनः संस्कारश्च इति हेमाद्रिहि, और दोबारा उनको यज्ञोपवीतार संस्कार कराना चाहिए, ऐसा जो है आचार्य हेमाद्री जी कहते हैं। तो इस तरीके से ये प्रायश्चित हैं, तो इन प्रायश्चित्तों पर विशेष ध्यान दें, तो श्राद्ध भोक्ता जन श्राद्ध भोजन करें और ऐसा ऐसा प्रायश्चित करें। सामान्य रूप से होने वाले ये जो महालय श्राद्ध हैं, ये पितृपक्ष में जो श्राद्ध होते हैं और एकोदिष्टादि के श्राद्ध होते हैं, तो 3 वर्ष के बाद ये जो श्राद्ध होता है इसमें कोई ज़्यादा प्रायश्चित नहीं है। 3 प्राणायाम या जो है गायत्री मंत्र से 10 बार अभिमंत्रित करके जलपान आदि का है, तो ये प्रायश्चित तो हम कर ही सकते हैं, और इसकी जानकारी रखेंगे तो ये सब प्रायश्चित किए जा सकते हैं। ये जो बताए गए इसमें कि पराक व्रत कैसे होता है, चांद्रायण व्रत कितने प्रकार का और कैसे होता है, कृच्छ्र व्रत कैसे, पाद कृच्छ्र कैसे होता है, प्राजापत्य व्रत कैसे होता है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे तो आप उनको समझ सकते हैं, अन्यथा धर्मशास्त्रों में सब वर्णित हैं। तो मुख्य रूप से प्रायश्चित यहाँ करने पर सरल और सुगम है, हम अपने यहाँ कर सकते हैं, अन्यथा जिनका प्रायश्चित यहाँ नहीं किया जाता है तो उनका प्रायश्चित फिर दूसरे लोक में करना पड़ता है, मृत्यु के बाद करना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी कर्म शरीर से शुभ या अशुभ रूप में होते हैं तो उन दोनों का ही फल जीवात्मा को अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिए दुष्कर्मों से बचें, शास्त्र विहित कर्म ही करें, और जहाँ शास्त्रों ने प्रायश्चित बतलाया है तो उसको श्रद्धा और भाव रख करके अवश्य करें। हर हर महादेव।